प्रस्तुति में अब आप देखेंगे अमर सीडी। अमर सीडी में अरे बेटी कौन बुढ़िया? हाँ आ जाओ माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। आई बच्चा, इधर आ जाओ जरा मेरे सामने। बुढ़िया माँ आ रही, मेरे सामने आ जाओ। यहाँ बैठो। हे माँ। हाँ क्या बात है? मेरे प्राण बचाओ, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे मैया मेरी कुटिया, मैं बचा लिए बुढ़िया जान। हे मैया चिंता मत कर मेरी लाल। अरे मैया मेरी कुटिया, मैं बचा लिए जान। अच्छा बेटी हाँ घबराना नहीं, लो नारद जी लाओ।
ये जब तक बच्चा रहेगा दुनिया में इसका नाम अमर रहेगा, और जब तक ये धरती आकाश है ये नल पुराण इसके नाम से आगे चालू होगी। जिस तरह से अग्नि पुराण, वरुण पुराण, विष्णु पुराण है, इसी तरह 18 पुराणों में एक पुराण नल पुराण के नाम से भी जानी जाएगी। ठीक है, जाओ जाए इस बच्चे बेटी भैया माता खुशी तो बना दो, दिहाई ला दो, खुशी बनाओ। इधर लाओ, आप चिंता ना करें नारद जी, लाओ माँ कोई बच्चे खुशी में बिहाई सुना। अच्छी सी ठीक है बिहाई सुना दो। आओ बेटी तुम थोड़ी पीछे हो जाओ। अच्छा बाबा जी, आओ बेटी। मैं बाबा जी बाहर को करो झाल से बाहर। मैं तो बेटी झाल से बाहर ही हूँ। हाँ मैं इधर बैठी जाती हूँ झाल में। हाँ ठीक है, इधर बैठ जाओ। आप जाइए नारद जी। अरे भाई खुशी तो मना लो आप। खुशी मैं मनाऊंगी। हे नारद जी। हाँ कहो बेटी। मेरे बच्चे का शुभ नाम कोई अच्छा सा रखा? हाँ बेटी मैंने नाम रख दिया है इसका नल। लेकिन एक बात है बेटी, ठहरो अभी। हाँ? बे माता चली गई। हाँ? मैं इसके लिए अभी देवी माता को बुलाता हूँ जो इसके सर पे हाथ फेर के जाएंगी। हे दुर्गे मैया, हे जगत जननी दुर्गे माँ, जहाँ भी आप हो इस बियाबान जंगल में इस दुखियारी की सहायता के लिए बहुत जल्दी से आइए। नारायण नारायण नारायण। हे देवी माता जगत जननी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान रहो। ये दुखियारी है, इसके यहाँ पे जो पुत्र पैदा हुआ है ये अवतारी बच्चा है, इसका नाम मैंने नल रख दिया है। जब तक दुनिया में रहेगा इसका नाम अमर रहेगा, और इसके बाद भी ये नल के नाम से जाना जाएगा, और नल पुराण इसके नाम से आगे चालू होगी। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। और इसके सर पे हाथ फेर दीजिए। अभी फेरती हूँ। माता जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान रहो। बेटा खड़े हो जाओ जरा थोड़ी सी। ए बेटी मैं इसके सिर पे हाथ रखती हूँ। हाँ। जब मुझे ये याद करेगा उस टाइम मैं तैयार रहूंगी। जो आगे हो माता जी, आप क्या ले रही है इसे? अरलोई। ये क्या चीज है माँ? ये खाना है, कटार। खाना है, कटार है। अच्छा लो। बहुत अच्छा। हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान रहो। जहाँ कहीं मेरे बच्चे को परेशानी होगी तुम्हें जरूर सहायता करनी। देखिए बियाबान जंगल में ये नल का जन्म हो जाता है। देखिए देवी ने भी यानी नल के पर हाथ रख दिया कि जहां तू याद करेगा मैं ही आपके पास आऊंगी। उधर देखिए बेमाता ने भी ये कहा कि बेटा मैं हर जगह तेरी सहायता करूंगी। और ये अब आपने सुना होगा नल जो था वो दानों का काल था। अब ये दानों को पता चल गया कि हमारा काल पैदा हो गया। बियाबान जंगल में आए उसी बुढ़िया बीमाता के पास और मंजवती के पास, कहने लगे क्या पैदा हुआ? देखिए बुढ़िया ने इंटे पत्थर फेंक दिए कि ये पैदा हुआ, इसके कोई सल्तान पैदा नहीं हुआ। भाई दानों ने उस जगह को भी चाट चाट के और बड़े वो कर दिया। जब नहीं कुछ नजर आया तो दाने भाग गए। सिंह पछाड़ जो दाना था, अब ये देखिए सभी को मालूम है कि नल जो था वो दानों का काल है। अब ये बियाबान जंगल में बुढ़िया यानी बीमाता अब ये कितनी खुशी मनाती है। मंजवती और बुढ़िया बीमाता कितनी खुशी मनाती है। हाँ प्रिय श्रोताओं, मास्टर कश्मीरी लाल ढोला सम्राट की आवाज की असली सीडी चाहिए तो याद रखें अमर कैसेट हापुड़ वाली। हाँ असली सीडी हापुड़ वाली सीडी खरीदें। और ये हमारे मास्टर कश्मीरी लाल बोल रहे हैं आपके सामने। देखिए रानी मंजवती के एक बच्चे का जन्म बियाबान जंगल में हो जाता है, ये नल जन्म ले लेता है। अब ये रानी मंजवती बियाबान जंगल में परेशान थी। अब आगे सुने एक लक्ष्मगढ़ के रहने वाले लक्ष्मी सेठ। देखिए उनकी शैतानी कहने लगती के सावन का महीना है, सबकी लड़की अपने अपने घर पे आ गई, मैं भी अपनी लड़की को मंगवाऊंगी। अब ये शैतानी क्या बोलती है सुने साहब, सेठ की और शैतानी की बातचीत सुनिए साहब। धन्यवाद। आरी बांदी। हाँ शैतानी जी नमस्ते। खुश रहो बहन। बांदी क्या बात है रानी साहब? देखो आपको मालूम है ये सावन का महीना है। सही बात है। और तीजों का त्योहार बहन जी करीब में आ गया है। हाँ जी है नी। और सभी की लड़कियाँ
अपने अपने पियर आ गई, अपने अपने घर आ गई, सभी अपनी अपनी लड़की को ले आए हैं बहन। सही बात, लेकिन हमारी लड़की अभी नहीं आई है। क्या बात है? है नहीं तो बहन तुम भी बुलवा लो। आप एक काम करो, जरा दुकान पे चले जाओ और सेठ जी को बुला लाओ। दुकान पे चले जाओ, सेठ जी को बुला के लाओ। सेठ जी को बुला लाओ और उनसे कहना क्या कि सेठ रानी की तबीयत खराब है और आपको बुलवाया है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है नी? हाँ। क्योंकि बहन हमें अभी लड़की को मंगाना है अब जा। सही बात, तीजों का त्योहार करीब में आ गया ना। हाँ, हाँ, रानी साहब सही है। तो जाओ सेठ जी को बुला लो बहन। मैं जाती हूँ। सेठ रानी नमस्ते, खुश रहो बहन, जाओ जल्दी। जाती हूँ। भैया। हाँ जी। तूने दुकान का हिसाब नहीं जोड़ा? हिसाब जोड़ो। हाँ भाई, वो उठा के ला भाई खाता, जल्दी से जैसा हो कबो। हाँ लिख भैया। क्या बतलाइए? अब लिख, होसा होसा डेढ़ पसेरी, बड़ा नासिर 10 कलंदर, काट पगा उल्लू 17 सर, मुतमंगा भैया 9 पसेरी। शेर जी। हाँ आपका समझाइए, मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा बतलाओ हिसाब। तेरी समझ में नहीं आया हिसाब? भैया आपका सुन ले दोबारा से। हाँ जी। अब होसा होसा डेढ़ पसेरी, बड़ा नारसी 10 कलंदर, काट पगोल्लू 17 सर, मुत मंगा भैया 9 पसेरी। मेरी समझ में नहीं आया, क्या क्या बताया यो? यो बताओ, होसा होसा क्या चीज हो? होसा होसा उन्हें जानते है? मैं नहीं जानता। भैया बासमती के चावल हो या हंसराज के चावल हो, धोवा हो दाल, बगैर पानी के चले जाए अंदर, खाते हो भी होश लगा भैया। होश होश कह दूं अंतराज के चावल लोगों, ये मतलब। हाँ और वो यो बताया, बड़ा नाज? बड़ा नाज को भैया दुनिया जाने क्या, अब बड़ा नाज हो चना। हाँ। पकौड़ी कर ले, छील रहे कर ले, बूंदी के लड्डू बना ले, चाय जो बना ले, कड़ी बना ले, सबसे बड़ा नाज हो चना। और वो बताया श्री 10 कलंदर। 10 कलंदर? हाँ जी भैया, 10 कलंदर कह दूं मैं उर्दू को, 10 मसालों से बना भैया, सेक तो कोई खा ले। ये बात है। और वो बताया काट पका उल्लू। काट पका उल्लू? हाँ जी। लंगोटे में बांध के ले जा, बुग्गियों में भरका हुआ, बाल लगा बार हाथ उच्चे बा, लड़का तोड़ा और गिर का मर जाए आदमी। ये मतलब बांध रहे को कह दू साला। और वो बतलाया मुतमंगा। मुतमंगा? हाँ जी। एक घड़ी गेहूं। हाँ। एक घड़ी गोलिया। हाँ। एक घड़ी नक्का। हाँ। एक घड़ी मक्का। अब उसमें को देता धक्का। ये मतलब मुतमंगा इसे कह दो भैया, सारे नाम मिला के इसे कह दो मुतमंगा। गाँव का हिसाब अब तक मुझे नहीं दिया। अब निम्बन भनेड़ा, ढाकी मुंडा खेड़ा, पखनपुर गंगवाली, जा रांड करे सवाली, बच्ची देखा खसम वाली, जीतपुर में नवसर का कचरा तुल गया मेरे भाई। सेठ रानी बोली है फाक मुझे ना चखाई। मैंने लाठी ठाके मेघपुरे की ठड़ाई। हाँ। हूँ बच्ची थी पंचायत लगी लगाई, हूँ चुनकी ऐसी जैसी गाड़ी की थी फल, और हमारी होगी लू वो सूख का लसन की जड़ूगंज की मुंडेरी बाबा अठारह डाडा सबकी गुद्दी छोड़ के मेरी गुद्दी दबाई। ठीक है। मैंने बिजनौर जा कबड़ी नवाज दिखाई तो रापुर के अड्डे पर मेरी एकल ठिकाना आई। जीतपुर की कह रही थी लोग लुगाई। क्या, क्या? तुम अपनी मौसी के गए थे, तुम्हें घी घेर का खीर खवाई। मैंने कहा सेठ रानी के दौरे तो रोटी कर दी, सेठ रानी ने सफाई। भैया शहर वालों ने बतेरी समझाई पर सेठ रानी की एक समझ मनाई। मैंने कल करी हापुड़ की घुमाई तो सेठ रानी बोली बहुत करी पैसों की भाई। हाँ। जब दे मुझे शाम को रोटी करी कराई। अच्छा। आगे को बात उत्तर ना मेरे भाई। हाँ। लौंडे की आ रही दे दूर से सकाई। लौंडे की बहुत साझा करेगी रोज ना सुरमा से आई। ठीक है भैया, तेरी मानना तो कभी तोड़ने को। ठीक है, एक काम करो शेर जी, मुनिम्मा खड़े हो जाओ। अच्छा क्या बात है भैया? थाली पड़ो, कितने दिन हो गए अब? भैया थाली पड़ो तो बहुत टाइम बीत गया, तो चलो बाहर चलते। आज तो नहीं लेकिन कल चलेंगे। कल चलेंगे, क्या लाओगे? हम? हाँ। हम तो भैया मोट बाजरा लाएंगे। हम तो बालकों का बीज लाएंगे। अरे बालकों का बीज नहीं, क्या उसको कहा करते पालक का बीज। अच्छा शेर जी नमस्ते। नमस्ते बांदी जी। ये तो दासी आ गई। अब मुन्नम्मा। हाँ जी। अब तेना बांदी से पूछ क्यों आई है? आइए आइए, सरकार किस लिए आई हो? मैं हाजी किस लिए आई हो? बस ये शेर जी से बात करने के लिए आई हूँ जी। शेर जी से? हाँ जी। और मिस्टर ना कर सकते? नहीं नहीं, तुम्हारा डिजाइन मुझे अच्छा लगता है। क्यों? तुम्हारा मुंह में दांत नहीं है बेकार, तुम तो खोल खोल रहे हो। तुम्हारा डिजाइन मुझे बिल्कुल पट लगा। मैं तो तुझ पर मरा पड़ा हूँ, तुम मरा है। तुम मरते रहो, मुझे दुनिया मरती है, मैं किसी पर नहीं मरती। तू तो मेरा चाय गारा का चक्कू बनाकर डाल दे सरकार। मेरी बात सुनो मेरी। हाँ जी। अगर ज्यादा बदतमीजी करो कान पार के पीछे लगा दूंगी। सुनाई है भी धका धा जागी तेरे यार को। मेरी बात सुनो। अरे कर लो सेठ जी, सेठ जी से बात कर लो। सेठ जी से बात करो सेठ जी। सेठ जी ये बात क्या है? खड़े हो जाओ। क्यों आई है, क्या बात है? सेठ जी मैं तुम्हारे पास किस लिए आई हूँ? हाँ ये मालूम करो। क्या बात है? देखो सेठ रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सेठ रानी की तबीयत खराब है? बुलाने के लिए आई हूँ सेठ जी मैं। मुझे बुलवाने के लिए? हाँ जी। ज्यादा हैजा करा देते पागल के बच्चे, तो सेठ रानी का मरना चाहता है तो मुझे बुलवाने के लिए आए। हाँ जी। मुनिम्मा। हाँ जी। भैया तू दुकान पर है और मैं
रानी की तबीयत खराब है। चले जाओ तो मुझे पैसे देते जाओ। क्यों? मैं कपड़ा लगता ले आऊंगा। तेरा दिमाग खराब है? अरे मरना चाहता है उनका। ना करी सेठ रानी खत्म हो जाए मैं इतना। बांदी सेठ जी मेरी बात सुनो। हाँ ये तमीज से रखा हो जा रही हूँ। हाँ जा रहे चलो। हाँ जाओ तो जाओ। मैं जाता हूँ भैया रणमास। चले जाओ और जल्दी लौट जाइयो जल्दी। ठीक है। अरे सुन बांदे की बात तो सेठ जी जरा करे नहीं वार करे तैयारी रंग महलों की सुमर सिरी करता। अरे शेर जी देर जान लावे हो चल महल जनाने जावे। हाँ जी चलो जी। सेठ जी आया नहीं आए? हाँ सेठ जी आ गए हैं दौड़ी पे खड़े हैं। सेठ जी आ लिए? आ लिए। आपको मुझे बीमार बताया। हाँ जी। और बांदी मैं बीमार है नहीं। तुम तो सही खड़ी हो। बिल्कुल सही हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरा ध्यान तुम्हें रखना है बिल्कुल। अच्छा हाँ देख बांदी वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। अच्छा जब भेज दे मेरे पास चलो बुलाती हैं। अच्छा हाँ तुम आराम करो। मैं खुद बात करता हूँ। तबीयत सही नहीं है। सेठ रानी जी नीचे पड़ी है बिल्कुल खराब है तबीयत। जाती हूँ। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार सेठ रानी नमस्कार। मेरी एक कच्ची दो दो नमस्कार। आओ दिखा मुझे हाथ दिखाइयो। आ जाओ चाय पी लो। अरे चाय की बाद में करियो पहले हाथ दिखाओ। लो हाथ देख लो। हाथ तुम्हारा ठंडा तो ठंडा ही तो ऐसे की तैसे मरा रहे हैं पागल के बच्चे। तुझे मैं दुकान पे छोड़ के आया था फिर मेरे पास यहीं आ गया। तुम्हारे बगैर मेरा जी लगता नहीं है। क्या कह रहे हो आप? तबीयत खराब नहीं है? तबीयत खराब? हाँ मेरी तबीयत खराब आपके होते है? नहीं नहीं सेठ जी ऐसा नहीं हो सकता है। बांदी गई बांदी ने कहा कि सेठ रानी की तबीयत खराब है। मैं दुकान का सारा काम छोड़ के और बहुत जल्दी आपके पास आ गया। ओहो बांदी ने मुझे बीमार बता दिया। और नहीं सेठ जी मैं बिल्कुल सही हूँ। अच्छा फिर मुझे क्यों बुलवाया? लेकिन ये मालूम नहीं मैंने आपको क्यों बुलवाया। क्यों बुलवा लिया सेठ रानी? अब मैंने कहा ना चाय पी लो आ जाओ। अरे चाय खाने पीने की बात तो बाद में करो पहले तुम ये बताओ मुझे क्यों बुलवाया। चाय ना पीरे दूध पी लो दो घूंट मार लो। पर मैंने ये कहा मुझे खाने पीने की कोई इच्छा नहीं है। दो घूंट तो मार लो। फिर वही बात आ गई। मैंने मना कर दिया कि मैं खाने पीने कोई इच्छा नहीं है। अच्छा तुम अपनी बात बताओ क्यों बुलाया मुझे। ठीक है कोई बात नहीं नहीं खा पी रहा तो मत खाओ। हाँ। क्या हो गया कई दिन से कुछ ना खा पी रहा है तुम्हें नजर लग गई क्या? बहुत दुकान का ज्यादा फिक्र रहा है मुझे काम ऐसे की नजर हो गई है। नहीं नहीं नजर वजर कुछ नहीं। अरे हाँ अब नजर की बात कर रही है। सेठ जी देखो आपको मालूम है नहीं ये सावन का महीना है। अच्छा और तीजों का त्योहार आ गया है सामने। फिर क्या बात है नहीं करीब में आ गया तीजों का त्योहार। सभी की लड़कियाँ अपने अपने घर आ गई है सब निराला है। अच्छा और आप तो अभी लड़की को लेके नहीं आ रहे सेठ जी? तो अभी तो तीजों के काफी दिन है दो चार रोज के बाद में चला जाऊंगा लड़की को लेवा लाऊंगा। मेरी बात तो सुनो आप जाओगे रास्ते में जाने में टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है नी तो इसलिए आपको पहले जाना ही सही है। अच्छा तो लड़की को लेवा लाओ। अच्छा। जरा मेरी बात सुनो। सुने सुनाओ क्या कह रही हो? आज भेज क्यों ना देते पिया भेज क्यों ना देते पिया। जी हाँ क्या जी? आज भेज क्यों ना देते राजा चिट्ठी आगमाली की। भेज क्यों ना देते राजा चिट्ठी आगमन की। जी हाँ अच्छा।
चार महीने राजा आए जारल के, आज आए जारों के। चार महीने आए जारों के? जी हाँ। अच्छा, आज चार महीने राजा आए जारों के, आज आए जारों के। आज अब ऋतु आ गई पिया, अब ऋतु आ गई पिया। काहे की आ गई? आज अब ऋतु आ गई पिया, नीचे रुड़ है नीचे। ओ सेठ रानी, क्यों न देते गर्मी के। जी हाँ। अच्छा, आज चार महीने आजा। ओ सेठानी, ओ तेरी आज आए गर्मी के। आज अब ऋतु आ गई पिया, अब ऋतु आ गई पिया। जी हाँ। काहे की आ गई? आज अब ऋतु आ गई पिया, पंखा झुलाने की। हाँ। भेज क्यों ना देते राजा, बेटी को लिवा लाओ। क्या कहा? यानी लड़की को लिवाने के लिए चले जाओ? आप समझे मैं सेठ रानी तेरी बात? लड़की को लिवा लाओ सेठ। मैंने सोच लिया, बरसात का मौसम है, बारिश पड़ी है। हाँ। नदी नाले रह चल। अच्छा, सेठ जी को भेजते है तो कहीं नदी नाले में डूब के मर जाएंगे। और तू तो अपने हिसाब से और देख ली काम को। और सुनियो, मैं तेरी बात को समझ गया, यही बात है तेरे दिल में। मेरी बात सुनियो, मैं आपकी सेठ रानी नहीं। मैं कौन कह रहा? ये तो सबको मालूम है। मेरा तो तुम ही सुनने के तार हो, जैसे कुछ भी हो। बहुत प्यार करती हो वैसे, मुझे बहुत चाहती हो। बहुत चाहती। अच्छा, मैं लड़की को लिवाने चले जाऊँ? आप लड़की को लिवा लो। तो एक काम कर सेठ रानी जी, बहुत जल्दी से खाना तैयार कर दे। खाना? हाँ, आपके लिए खाना। और मैं लड़की को लिवाने के लिए जा रहा हूँ। सेठ जी, मैंने खाना तैयार कर दिया है आपके लिए। जी हाँ, अभी खाना लाती हूँ आपके लिए, जाओ जल्दी। मनीमा, ये सेठ जी क्या हाल है? ठीक हो? चलो भैया, सेठ रानी कह रही है कि लड़की को लिवा लो। भैया तीजो का त्योहार आ लिया है। हाँ। और थोड़े दिन बाकी हैं। चलो मेरे साथ चलो, मैं लड़की को लिवाने के लिए चलता हूँ। खाने जाने का सामान लिया हूँ? हाँ, खाना जाने का सामान जो है, यानी खाना लेकर आ रही है सेठ रानी। सेठ जी, आपके लिए खाना है। लाओ मुझे, लाओ खाना। लो। ठीक है, खाना आपको संभाल के रखना है। ठीक है, ठीक है ना? क्या बनाया खाने में? खाने में ना हाँ। बहुत बहुत सामान बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, बढ़िया खाना है। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, चलो जाओ। मुनिमा, चलो सेठ जी।